क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहां पर शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन जब नारायण यानी कि विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी होकर आपकी हमेशा सेवा करती रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान पर उसकी तलाश करने हिमालय पर चले गए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। उस घर के अंदर गए, घुसते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह अपना ही नहीं बल्कि खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर ही टहल रहे थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा कि इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं, मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहे लेकिन मैं तो इस बच्चे को उठाने वाली हूँ, मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस प्रकार नहीं देख सकती और मैं इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और ये कहकर उन्होंने बच्चे को उठा लिया और अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुशी खुशी होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी के स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं और उसी कुंड पर स्नान करने के लिए शिव और पार्वती चले गए। लौट के आए तो देखे घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी, और आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले कि मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना, तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब अंदर से ही दरवाजा बंद कर लिया है उसने। पार्वती ने कहा कि अब मैं क्या करूं। शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, दूसरा वे वहां से चले जाएं, कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता, चलो कहीं और ही चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी चोटी है जो दूसरी चोटी के बीच में है, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का ही घर खो दिया। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा? अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।